सो हे गाइज़ व्हाट्सअप, कैसे हैं आप। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं, अगर आप कोई भी जीमेल आईडी अपना भूल चुके हैं, पुराना जीमेल आईडी जिसे कि आप वापस पाना चाहते हैं लेकिन आपको याद ही नहीं है कि उस जीमेल आईडी का आपने क्या नाम टाइप किया था, लेकिन फिर भी आप उसे पाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप अपने भूल जाने वाली जीमेल आईडी को वापस से पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आना है। यहाँ पर आपको एक जीमेल करके एक एप्लीकेशन मिलेगी, आपको इसे ओपन कर लेना है। जैसे आप जीमेल एप्लीकेशन ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको आपके जो भी मौजूदा ईमेल आईडी होगी उसका लोगो आपको दिखेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की ओर एक ऑप्शन दिखाई देगा, देखिए ऐड अनदर अकाउंट्स, तो आपको ऐड अनदर अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऊपर आपको गूगल का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर गूगल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। अब यहाँ पर आपको ईमेल और फ़ोन नंबर का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी टाइप करना है, लेकिन आपको याद ही नहीं है कि कौन सा आपका ईमेल आईडी था, कौन से नाम से था, क्या नाम था, आपको याद ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, देखिए फॉरगेट ईमेल, देखिए यहाँ पर फॉरगेट ईमेल करके एक ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने हो सकता है कोई मोबाइल नंबर आए, तो अगर आपका वही मोबाइल नंबर शो कर रहा है जो कि आपका जीमेल आईडी जो आप भूल चुके हैं उसी नंबर से तैयार किया गया था, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। अगर ये कोई और नंबर है तो आप इसे कट करके अपना सही नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे। तो यहाँ पर हम अपना सही नंबर टाइप कर लेते हैं। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा नीचे, आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको याद ही नहीं है कि आपने अपनी ईमेल आईडी बनाते वक्त कौन सा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिया था, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर अब अपना अंदाज़ा लगाना होगा, अपने अंदाजे से जो है यहाँ पर आपको कोई भी नाम टाइप करना होगा, जो भी आपको याद हो, आपको लगता हो कि ये नाम मैंने दिया था, तो आप ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, दो बार ट्राई कीजिए, तीसरी बार ट्राई कीजिए, एक ना एक बार हो ही जाएगा। तो यहाँ पर मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि मैंने यहाँ पर अपने नाम से जो है ईमेल आईडी बनाई थी इस नाम से, देखिए अर्जुन हालदार नाम से मैंने ईमेल आईडी बनाई थी, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जैसे ही टाइप करेंगे उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद यहाँ पर हमारे सामने देखिए दो दो जीमेल आईडी आ चुकी है, तो इन दोनों को ही मैंने अपने इसी नंबर से बनाया था, लगभग सेम नाम है जीमेल आईडी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने एक बनाया हो तो आपके सामने एक आएगा, दो तीन जितने भी आप बनाएंगे इस नाम से वो सभी के सभी शो कर जाएंगे, अगर इस नंबर से आपने बनाए हो जिस नंबर को आप यहाँ पर टाइप किए हैं। तो यहाँ पर हमने दो दो बनाई थी, तो यहाँ पर दोनों आ चुकी हैं। तो अब आप जिसको भी रिकवर करना चाहे उसे रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे वाले जीमेल आईडी को जो है रिकवर करना चाहते हैं, जिसका नाम है यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्जुन हलदार 099@gmail.com, तो इसे हम यहाँ पर रिकवर करना चाहते हैं, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर एक और नई मुश्किल आ चुकी है जो कि है यहाँ पर इसे इसका जो पासवर्ड था वो भी तो हमें याद नहीं है, जीमेल आईडी याद नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि हमें पासवर्ड भी याद नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपसे जो वादा किया था कि आप भूल गए जीमेल आईडी को कैसे वापस पा सकते हैं, तो वो तो मैंने आपको दिखा दिया कि आप कैसे अपने भूल जाने वाली जीमेल आईडी को वापस पा सकते हैं। तो जीमेल आईडी हमें मिल चुकी है, लेकिन अब बारी है पासवर्ड की। तो पासवर्ड कैसे पाना है आपको, पासवर्ड कैसे आपको रिकवर करना है अपनी जीमेल आईडी को, इसके लिए मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। आने वाले कल पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी पासवर्ड रिकवर की, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इस चैनल पर ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस मिलने वाली है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।